हे दोस्तों, हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त स्मॉल बिजनेस आइडिया लेकर, जिसकी शुरुआत अगर आप चाहो तो 50 से 60,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो बनकर तैयार हो जाता है 200 से 250 रुपए में, लेकिन मार्केट में बिकता है 1,000 रुपए में, 1,500 रुपए में, 2,000 रुपए में, 2,500 रुपए में। अब दोस्तों, आप खुद सोचिए, जो प्रोडक्ट 200 से 250 में बनकर तैयार हो चुका है और मार्केट में 2,000 रुपए में बिक रहा है, तो इस बिजनेस में कितना जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन होगा। इसके अलावा दोस्तों, ये जो बिजनेस है मोबाइल से रिलेटेड है, तो दोस्तों आप खुद समझते होंगे मोबाइल आज के टाइम में हर इंसान के लिए बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि उसका जो मैक्सिमम काम होता है मोबाइल में ही होता है, उसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो भी मोबाइल में ही होता है। और अगर किसी इंसान का मोबाइल खराब हो जाए तो वो सबसे पहले यही कोशिश करता है कि उसका मोबाइल सही हो जाए, ताकि वो अपना डेटा ले सके। इसके अलावा दोस्तों, जब भी मोबाइल गिरता है तो सबसे पहली जो चीज खराब होती है वो होती है मोबाइल की स्क्रीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल स्क्रीन रिपेयरिंग बिजनेस के बारे में। मतलब दोस्तों, अगर आपके आसपास में किसी भी कस्टमर का मोबाइल की स्क्रीन खराब हो जाती है तो उसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, उस बिजनेस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको कितनी मशीन की जरूरत पड़ेगी, कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कितने में बनकर तैयार हो जाता है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाए, एक ऐसी कंपनी बनाए जो सालों साल चले, तो दोस्तों मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा। आपको वो बुक जरूर पढ़नी चाहिए, उस बुक का नाम है बिल्ड टू लास्ट। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अवेलेबल नहीं है तो ये बुक आपको मिल जाएगी कुकू एफएम पे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर आपको 1,000 से भी ज्यादा घंटे का बुक कंटेंट ऑडियो फॉर्मेट में मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने वर्ल्ड फेमस बहुत सारी बुक्स को ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि हम उनको कभी भी और कहीं भी सुन सके। बुक पढ़ने के लिए हमको अलग से टाइम निकालने की जरूरत ना पड़े। और दोस्तों, अगर मैं इनके गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग की बात करूं तो वो है 4.5। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कितना ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुकू एफएम इंडिया का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको ऑडियो फॉर्मेट में बुक्स अलग अलग लैंग्वेजेस में मिल जाती है। तो आपको जो भी लैंग्वेज समझ में आती है आप उसको चूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से ऑडियो बुक सुन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कुकू एफएम का एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हैं तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक डील भी है। अगर आप कमाओ और कमान दो के सब्सक्राइबर है तो आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा KKD50, तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों, ये जो ऑफर है वो फर्स्ट 250 कस्टमर्स के लिए ही है। मतलब दोस्तों, पूरे साल भर के लिए रोजाना 1 रुपए से भी कम में आप हजारों ऑडियो बुक सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए कुकू एफएम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसके अलावा कूपन कोड भी दे दिया है। तो आपको सिंपली लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद में कूपन कोड को अप्लाई करना है, आपको स्ट्रेट अवे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं स्क्रीन रिपेयरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दो मशीन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली मशीन सेपरेटिंग मशीन और दूसरी पंचिंग मशीन। अब ये दोनों मशीन क्या काम आती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, सेपरेटिंग मशीन बॉडी को डिस्प्ले से अलग करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बॉडी और डिस्प्ले के बीच में ग्लू लगा होता है जिससे वो दोनों चिपके होते हैं। तो जब ये सेपरेटिंग मशीन की वजह से उसको हीट किया जाता है तो वो ग्लू थोड़ा सा ढीला हो जाता है और उसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। सो ये मशीन ये काम करती है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो डिस्प्ले होता है उसके ऊपर स्क्रीन भी चिपकी होती है, तो उन दोनों को रिमूव करने के लिए भी सेपरेटिंग मशीन का काम आता है। इसके अलावा दोस्तों, पंचिंग मशीन क्या काम आती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, डिस्प्ले के ऊपर जब आप नई स्क्रीन चिपकाएंगे तो उसको परमानेंटली चिपकाने के लिए आपको पंचिंग मशीन की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये दोनों मशीन आपको मार्केट में मिल जाएगी 35,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए के बीच में। ये दोनों मशीन अलग अलग भी आती है, और अगर आप चाहें तो ऐसी मशीन भी खरीद सकते हैं जिसके अंदर ये दोनों चीजें एक ही मशीन के अंदर होती है। सो दोस्तों, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके पास कितनी स्पेस अवेलेबल है, कितना बजट है, उसके हिसाब से मशीन खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल के बारे में। देखिए दोस्तों, रॉ मटेरियल के तौर पर आपको बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ेगी, लेकिन एक जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होगी वो होगी मोबाइल की स्क्रीन। तो दोस्तों, आपको मोबाइल की स्क्रीन खरीदनी होगी, लेकिन दोस्तों इसको आपको बल्क में खरीद के स्टोर करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आपके आसपास में कोई भी होलसेलर होगा वहां से आप परचेस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, वो बोलता है कि मेरे इस मोबाइल का स्क्रीन खराब हो गया है, इसको चेंज करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, मोबाइल उससे ले लेना है और उसके बाद में होलसेलर के पास जाना है, वहां से स्क्रीन खरीदनी है और उसके बाद में उस स्क्रीन को चिपका के कस्टमर को दे देना है। देखिए दोस्तों, अगर आप मेट्रो सिटी में अपनी दुकान खोलते हैं या फिर शहर में खोलते हैं तो वहां पे आपको होलसेलर आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप गांव में खोल रहे हैं तो हो सकता है आपके आसपास में होलसेलर अवेलेबल ना हो। तो दोस्तों, उस केस में आपको क्या करना होगा, थोड़ी बहुत स्क्रीन खरीद के रखनी होगी, या फिर आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि 2 से 3 दिन
का टाइम लगेगा और आप क्या कर सकते हैं, अपने आसपास के शहर में जाकर उस स्क्रीन को खरीद सकते हैं और उसके बाद में चिपका के कस्टमर को दे सकते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन के अलावा और भी आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि आपको सेपरेटिंग ब्लेड की जरूरत पड़ेगी, सेपरेटिंग थ्रेड की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं ग्लू की जरूरत आपको पड़ने वाली है, बॉडी से डिस्प्ले को चिपकाने के लिए आपको ग्लू की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों स्क्रीन से डिस्प्ले को चिपकाने के लिए आपको OCA पेपर ग्लू की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो ये भी आपको खरीद के रखना होगा। आपको सेलो टेप की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी छोटी मोटी चीजों की जरूरत आपको पड़ने वाली है, तो ये सारी चीजें आपको खरीदनी होगी अगर आप इस तरीके का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो अगर दोस्तों मैं स्पेस की बात करूं तो इस तरीके का बिजनेस आप आसानी से लगभग 100 स्क्वायर फुट की दुकान के अंदर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो मशीन होती है वो बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती है। आपको सिंपली एक टेबल लगानी होगी, उसके ऊपर वो मशीन आ जाएगी और वहां पर आप ये काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं एम्प्लॉयज की बात करूं तो इस तरीके का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं होगी, आप खुद भी स्क्रीन को रिपेयर करके कस्टमर को दे सकते हैं। अब स्क्रीन को रिपेयर कैसे किया जाता है उसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपको सिर्फ ये वीडियो देखते रहना है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं तो आपको इस तरीके का बिजनेस शुरू करने के लिए शॉपेक लाइसेंस लेना होता है, जिसको कहीं कहीं पे गुमास्ता भी कहते हैं, तो आपको सिर्फ ये चीज की जरूरत पड़ेगी, इस तरीके का बिजनेस आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूं कि अगर किसी कस्टमर की मोबाइल स्क्रीन खराब हो जाती है तो उसको आप रिपेयर कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले जिस मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है उसमें से आपको बैटरी को निकाल देना है, उसके बाद में उस मोबाइल को सेपरेटिंग मशीन के ऊपर उल्टा रख देना है हीट होने के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको 104 डिग्री का टेम्परेचर सेट करना होगा। दोस्तों हम हीटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि बॉडी और डिस्प्ले के बीच में जो ग्लू लगा हुआ है वो लूज हो जाए और आप आसानी से डिस्प्ले को बाहर निकाल पाओ। उसके बाद में दोस्तों आपको सेपरेटिंग ब्लेड की मदद से डिस्प्ले को बॉडी से अलग करना होगा। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले अलग हो चुका है, पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो डिस्प्ले है इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो डिस्प्ले है और दूसरा स्क्रीन है। अब आपको स्क्रीन को डिस्प्ले से अलग करना होगा, लेकिन दोस्तों आप मोबाइल की हालत देख सकते हैं, इसकी जो स्क्रीन है वो पूरी तरीके से टूटी हुई है। अगर आप डिस्प्ले को स्क्रीन से अलग करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपके डिस्प्ले को डैमेज हो सके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको टेप चिपकाना होगा ताकि टूटी हुई पूरी स्क्रीन टेप के ऊपर चिपक जाए और आप डिस्प्ले को आसानी से रिमूव कर पाओ। देखिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर टेप चिपका दी गई है। उसके बाद में आपको इस डिस्प्ले को सेपरेटर मशीन के ऊपर रखना होगा और टेम्परेचर सेट करना होगा। टेम्परेचर आप रखेंगे 100 डिग्री। उसके बाद में दोस्तों जब ये प्रॉपरली हीट हो जाए तो आपको सेपरेटिंग थ्रेड की मदद से स्क्रीन और डिस्प्ले को अलग करना होगा, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन और डिस्प्ले दोनों अलग हो चुके हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, डिस्प्ले को एक बार चेक करना होगा कि डिस्प्ले काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको डिस्प्ले को फिर से बॉडी के अंदर लगाना है और बैटरी को लगाकर आपको ये चेक कर लेना है कि डिस्प्ले काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे केस में डिस्प्ले काम कर रहा है, ये प्रॉपरली स्क्रीन से अलग हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर पुराना ग्लू चिपका हुआ है, तो आपको इस ग्लू को रिमूव करना होगा। और ग्लू को रिमूव करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली ग्लू रिमूवर की, तो आपको सिंपली क्या करना है, कपड़े के अंदर ग्लू रिमूवर ले लेना है और उसके बाद में डिस्प्ले को अच्छे से साफ कर लेना है, तो जो भी पुराना वाला ग्लू होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों डिस्प्ले के ऊपर आपको नई स्क्रीन चिपकानी होगी, जिसके लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है OCA पेपर ग्लू की। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस पेपर के अंदर दोनों साइड प्लास्टिक होता है और बीच में ग्लू होता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक साइड का प्लास्टिक निकाल देना है और उसके बाद में उस पेपर को डिस्प्ले के ऊपर चिपका देना है। आप देख सकते हैं कि जो पेपर का साइज थोड़ा बड़ा है और डिस्प्ले का साइज थोड़ा छोटा है, तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको आपको कट कर लेना होगा। उसके बाद में दोस्तों प्लास्टिक का जो दूसरा साइड है उसको हटा देना है और फिर आपको नई स्क्रीन चिपकानी होगी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से नई स्क्रीन आपको चिपकानी है। दोस्तों मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, ये जो स्क्रीन आपने चिपकाई है ये टेम्पररी पर्पस के लिए, इसको परमानेंटली चिपकाने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है पंचिंग मशीन की। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, इस डिस्प्ले को पंचिंग मशीन के अंदर 40 सेकंड का टाइम सेट करके रख देना है। उसके बाद में दोस्तों आपके डिस्प्ले से नई स्क्रीन चिपक जाएगी और उसके अंदर हो सकता है कि बबल्स आ जाए, तो उन बबल्स को रिमूव करने के लिए आपको इसको बबल रिमूवर के अंदर 300 सेकंड्स तक रखना होगा। 300 सेकंड्स का मतलब होता है लगभग 5 मिनट, लेकिन इस मशीन के अंदर आपको सेकंड्स का कैलकुलेशन होता है, तो यहाँ पे आपको 300 सेकंड सेट करने हैं और उसके बाद में बबल रिमूवर के अंदर रख देना है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो डिस्प्ले है वो परमानेंटली आपकी स्क्रीन के साथ चिपक चुका है। उसके बाद में दोस्तों आपको इस डिस्प्ले को बॉडी के साथ चिपकाना होगा, जिसके लिए आपको बॉडी के ऊपर ग्लू चिपकाना है और उसके बाद में डिस्प्ले को बॉडी से चिपका देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको बैटरी लगानी होगी और जो भी स्क्रू ड्राइवर आपने निकाले होंगे उनको फिर से टाइट कर देना है और उसके बाद में बैक पैनल लगा देना है। और दोस्तों आखिरी स्टेप होगा, आपको मोबाइल के ऊपर बहुत सारे रबर लगा देने हैं। इससे फायदा क्या होगा कि जो भी डिस्प्ले और बॉडी है वो आपस में चिपक जाएगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने ग्लू लगाया है। और दोस्तों आपको कुछ घंटे तक ऐसे ही रखना होगा, उसके बाद में मोबाइल रेडी हो जाएगा विद द न्यू स्क्रीन। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी कस्टमर की टूटी हुई स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं सिर्फ ये दो मशीन्स की मदद से। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कितने पैसों की जरूरत होगी, चलिए वो देख लेते हैं।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दोनों मशीन खरीदनी होगी। जिन मशीन्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो वो मशीन्स आपको 35,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए के बीच में मिल जाएगी। मैं मान के चलता हूँ आप सबसे सस्ती वाली मशीन खरीदते हैं, 35,000 रुपए की आप मशीन खरीदते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको जरूरत पड़ने वाली रॉ मटेरियल की, तो आपको कम से कम 5,000 से 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो टोटल हो जाएगा 45,000 रुपया। उसके बाद में दोस्तों आप जहां कहीं भी ये बिजनेस शुरू करेंगे वहां पे आपको बेसिक सेटअप लगाना होगा, जिसका भी कॉस्टिंग आने वाला है, तो उसका कॉस्टिंग मैं पकड़ लेता हूं 10 से 15,000 रुपया। तो दोस्तों अब तक हुए थे 45,000 रुपए और 15,000 रुपए मैं और पकड़ लेता हूं, तो टोटल हो जाता है 60,000 रुपया। तो दोस्तों 60,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप महंगी वाली मशीन खरीदेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और अगर आप ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, लेकिन मिनिमम आप 60,000 रुपए तक के इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बिजनेस चलाने के लिए थोड़े बहुत वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो आपके पास कम से कम 40 से 50,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल भी होना चाहिए। तो दोस्तों आप यूं मान के चलिए, अगर आप ये बिजनेस अच्छे लेवल पे शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वैसे आप 50 से 60,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से करने के लिए आपके पास 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब दोस्तों आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस बिजनेस से आप कितना प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि एक स्क्रीन को चेंज करने का जो मैक्सिमम कॉस्ट पड़ता है वो होता है 200 से 250 रुपया, और आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हो 1,000 रुपया, 1,500 रुपया, या फिर आप जितना भी चार्ज करना चाहो उतना। मैं मान के चलता हूं आप मिनिमम 1,000 रुपया चार्ज करते हैं और आपका कॉस्टिंग पड़ता है मैक्सिमम 300 रुपया, तो आपको 700 रुपए का प्रॉफिट होता है। और दोस्तों अगर आपको दिन में 3 कस्टमर्स भी मिल जाते हैं तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 2,100 रुपए का। अगर मैं ऑन एन एवरेज 2,000 रुपए भी पकड़ूं तो महीने का हो जाता है 60,000 रुपया। सो दोस्तों, जितने पैसे आप इन्वेस्ट करने वाले हैं उतने पैसे तो आप आसानी से एक महीने में ही रिकवर कर सकते हैं, अगर आपकी दुकान अच्छे लोकेशन में है जहां पे पब्लिक का फुटफॉल ज्यादा है। अगर ऐसे लोकेशन में आपने दुकान खोली है, इस बिजनेस को शुरू किया है, तो आप आसानी से जितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं उतना 1 से 2 महीने में रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इस बिजनेस को भी शुरू कर सकते हैं, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने कुकू एफएम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं और 50% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।